वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस मैक्रोनी। इसमें आपको पहले तो दो टमाटर काट लेने हैं और दो मिर्ची काट लेनी है और दो प्याज, और अभी ये टमाटर जाएगा, इसको आपको अच्छे से पीस लेना है। देख सकते हैं हमने टमाटर का जो पेस्ट था हमने उसको अभी कर लिया ग्राइंड, और जो जितनी आपको मैक्रोनी बनानी है अब उतनी उबाल लेना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा तेल भी ले लेना है, तो इन मिर्चियों को फ्राई कर लेना है। दोस्तों पास्ता में बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद की, जैसे मटर, शिमला मिर्च, लेकिन हमारे पास वो नहीं है तो हम अपना सिंपल पास्ता बना रहे हैं। तो इसके बाद आपको इसमें जो आपने प्याज काटा है जितना आपको काटना है उतना डाल देना है। दोस्तों आपको इसमें आधा स्पून हल्दी डालना है। हल्दी डालने के बाद आपको इसमें डालनी है थोड़ी सी वो पाउडर गरम मसाला। गरम मसाले के बाद आपको डालनी है इसमें थोड़ी सी वो मिर्ची वाला पाउडर। तो दोस्तों प्याज को जब तक वो ब्राउन नहीं होता आपको उसको फ्राई करते जाना है। दोस्तों हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला बनाया था। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉस। तो दोस्तों अब हम डालेंगे इसके बाद जो हमने मैक्रोनी उबाली थी, अब देख सकते हैं हमने इसमें मैक्रोनी डाल दी। दोस्तों जो हमने मैक्रोनी उबाली थी हमने पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, और अभी आपको अब स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा और डालना है। दोस्तों आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक यह पूरा बॉईल नहीं हो जाता या ये पूरा पक नहीं जाता। दोस्तों आप इसमें कोई सा भी मसाला डाल सकते हो, जैसे हम डाल रहे पास्ता मसाला, आप मैगी मसाला भी इसमें डाल सकते हो। पास्ता मसाला डाल देना है आपको। हमने मैक्रोनी बनाई थी रेड सॉस मैक्रोनी, वो बन के तैयार हो चुकी है। हमारे मैक्रोनी बनकर रेडी हो चुकी है, फिर आपको इसको एक बर्तन में डाल लेना है। दोस्तों हमारी मैक्रोनी बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कि कैसी बनी है। रेडी हो चुकी है, अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छी बनी है, अब इसको घर पर जरूर ट्राई करना। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।